हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लाइट लिव इन गुड एंड हेमली थॉट। तो आज हम इस वीडियो में हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कुछ मैजिकल पावर्स के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें कॉन्टिन्यूसली गाइड और इंस्पायर करता रहता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है और यह हमारे सभी प्रॉब्लम का आंसर भी जानता है। और अगर आपको यह पता करना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को कैसे यूज़ करें, तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड सोता है, रेस्ट करता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोता नहीं। और अगर आपको इसके मैजिकल पावर्स को यूज़ करना है, तो आपको सिंपली सोने से थोड़ी देर पहले जो भी आपको चाहिए उसका एक कमांड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देंगे, तो वह उसे जल्द से जल्द पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। और इस बात का प्रूफ आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एक बुक की तरह है, और जो भी थॉट्स, बिलीफ, ओपिनियन और थ्योरी आप इसमें लिखेंगे, आप उसी को एक्सपीरियंस करेंगे किसी कंडीशन या इवेंट के फॉर्म में। आपके पास आपके लाइफ के दो साइड होते हैं, एक जो कि आपको विजिबल होता है और दूसरा जो कि इनविजिबल होता है। डॉक्टर बताते हैं कि जो थॉट हम रिसीव करते हैं वह हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता है, और जो थॉट आपका कॉन्शियस माइंड ट्रू समझ के एक्सेप्ट कर लेता है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहाँ से आप इसे एक्सपीरियंस करते हैं। हमने यह बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे आर्ग्यू नहीं करता, और यह आपके कॉन्शियस माइंड के फाइनल थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि बहुत एक ट्रू बात है। अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वाल्डो इमर्सन ने भी यह कहा है कि जो भी पर्सन दिन भर में जो भी थॉट सोचता है वह उसी थॉट के अकॉर्डिंग एक्शन करता है और वैसा ही बन जाता है। विलियम जेम्स, जिन्हें कि फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से पूरी दुनिया देख सकते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट इंटेलिजेंस और बाउंडलेस विजडम होता है। जो भी आप इसे सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस करते हैं वह आपकी लाइफ में एक्सप्रेस होता है, इसलिए आपको इसे सिर्फ राइट और कंस्ट्रक्टिव आइडिया ही देने चाहिए। यह बात मसीहा, ईसाई, जीजस, बुद्धा, ज़ोरास्टर ने भी एंशियंट टाइम में ट्रू बताया है और कहा है कि यह ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ है। डॉक्टर बताते हैं कि हम जो भी फीलिंग अपने बारे में सोचते हैं वही सभी लोग हमारे बारे में सोचते हैं, तो आपको अपने बारे में ग्रेट थॉट ही सोचनी चाहिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे बॉडी के फंक्शन को कैसे कंट्रोल करता है, और भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कुछ बातें। तो फ्रेंड्स, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप उसका आंसर चाहते हैं। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। शेयर करें उन लोगों को जिनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकती है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइट को हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।